आपको बता दें वो हमारे बीच आ चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच सर अपना स्थान ग्रहण करें और ये सेशन कितना महत्वपूर्ण होगा वो स्टेज पर बैठे मेहमान से ही हम समझ सकते हैं। सेशन है महत्वपूर्ण और इसको होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी अनिल और सहयोगी विपिन परमार। ओवर टू यू। तो सार्थक चर्चा इंडिया न्यूज शिमला मंच पर लगातार जारी है, देवभूमि हिमाचल की धरती, और ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों को लगातार आपने सुना। और अब बारी है प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जैसे ही हिमाचल में सरकार बनाई, आप मुख्यमंत्री के तौर पर जैसे ही कार्यभार संभाला, एक साल एक महीने से ज्यादा का समय, सर किस तरह से आंकलन करते हैं अपनी सरकार का, क्या प्रमुख उपलब्धियां पिछले एक साल एक महीने में आपके अनुसार जो है हिमाचल में देखने को मिली है? एक साल दो महीने हमें हो गए, एक महीना आप कम बता रहे हैं, और 14 महीने के समय में जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की थी जी, प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, उस अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, हमने इस दिशा में सोचने के बारे में सोचा और पहले बजट में वो दिशा उसमें इंगित की गई है जी। और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रूडेंस जो अर्थव्यवस्था में मुख्य अंग होती है उसको ठीक करने की हम कोशिश की। 14 महीने बाद हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और हम अपनी 20% तक की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल हुए हैं जी। दूसरा, क्योंकि बजट जो होता है वो सरकार की मंशा को भी प्रकट करता है जी, बिल्कुल। तो हमने बजट में कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से हमारी योजनाएं बनने चाहिए और इस दिशा में हमने ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाई और किस प्रकार हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हमने आगे बढ़ना है जी। एक सोच हमने जनता के बीच डाली जिसमें हमने कहा कि पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाना है और हमने इलेक्ट्रिक ई टैक्सी खरीदने के लिए 52,000 के करीब टैक्सीज हिमाचल प्रदेश में है, मैक्सी कैब्स है, टेम्पो ट्रेवल्स हैं। हमने कहा कि हम 50% जी सब्सिडी देंगे, यानी कि 10 लाख में 5 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी यूथ के लिए, और हमने पहली राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की जी। फिर जितने हमारे 4 लेनिंग है, नेशनल हाईवेज है, 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े और आज हम कह सकते हैं कि कीर्तपुर से लेकर अटल टनल क्रॉस करने के बाद केलोंग जो आता है वहाँ तक हमने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस स्थापित कर दिए। अब इसकी संख्या बढ़नी स्टार्ट कर दी है। शिमला से परमाणु में हमारे काम चल रहा है, एक योजना हम डिस्ट्रिक्ट लाए हैं और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो बजट में कई चीज़ें हैं जी और उन चीज़ों का धरातल पर उतारना ही मेन मकसद होता है। तो 7-8-10 महीने बाद वो धरातल पर उतरते ही है, तो आज खुशी इस बात की कि वो धरातल पर उतर कर दिशा पकड़ना शुरू हो गई है। कितना चैलेंजिंग सर ये बजट, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों से हिमाचल गुजरा, प्राकृतिक आपदा देखी, कितना चैलेंजिंग ये बजट बनाना जो है वो रहा है सरकार के लिए? सर देखिए, पहला बजट था जी और 2 महीने बाद हमारे को बजट पेश करना था जी, तो हमने 40 साल बाद पूरी व्यवस्था ही बजट की बदल दी और हमने नई सोच के साथ, नए प्रेरणा के साथ हमारे सभी साथियों ने काम करना शुरू किया और आज हम कह सकते हैं कि अब मैं 2 दिन बाद दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं
और जब मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, उन आंकड़ों का अध्ययन किया जी, तो सवाल ये था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समाज सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है जी। तो उस दिशा में हम थोड़े सफल हुए हैं, पूर्णतः अभी सफल नहीं हुए, क्योंकि वो एक ढांचा बना है, उस ढांचे के हिसाब से रूटीन्स गवर्नमेंट चलती आई है, ये सरकार आई वो सरकार आई जी। तो हमने हमेशा कहा है हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि सुख भोगना है, 5 साल सरकार में रहेंगे हमारे एंटी इनकम्बेंसी होगी कोई सरकार बदली, हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन में हमने कई कानून बदल दिए। पिछली कैबिनेट में ही, पिछली जो अभी पिछले कल खत्म हुई कैबिनेट, हमने देखा कि बेटियों की शादी की उम्र बढ़नी चाहिए, हमने पिछली कैबिनेट में कानून बनाने के लिए 18 से 21 साल बेटियों की उम्र बढ़ाने के लिए जी, अभी हमने इस विधानसभा में कानून ला रहे हैं जी। अनाथ बच्चे थे जी, जिनको अनाथ बच्चों की क्या भावना होती है जी, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई सरकार उन बच्चों के बारे में सोचेगी, जो माता को खो चुका है, जो पिता को खो चुका है जी, और पढ़ना चाहता है और पढ़ने के पास उसको निर्भर होना पड़ता है, कभी रिश्तेदारों के पास जी, कभी किसी और योजना पर, हमने उसमें परिवर्तन किया, हमने कहा सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, अब पैदा होने के बाद से 27 साल तक सरकार उसका ख्याल रखेगी जी, और हिंदुस्तान का पहला कानून बनाकर उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि पीएचडी करनी है, आईआईटी करनी है, एमबीबीएस करनी है, सब खर्चा देंगे, और उसके अलावा जैसे हमारे बच्चे कभी सिलेक्ट हो जाते हैं ना कि एमबीबीएस में हो गए, फीस दे दी, हॉस्टल दे दिया, फिर जेब खर्चे की भी जरूरत पड़ती है, अपने बच्चों को देते, तो हमने उन्हें 4,000 रुपया पॉकेट मनी का भी दिया, और जब घूमने की बात आती है तो उस तरह घूमने के लिए 5-3 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था और बाईर जाने की व्यवस्था भी की। तो ये समाज के जो वंचित वर्ग है जी, जो अभी किसी की मांग को लेकर नहीं आते, तो हमारी सरकार उस दृष्टि से भी उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सर, आपने अर्थव्यवस्था की बात की, अर्थव्यवस्था को आप तक से गहरा झटका लगा था हिमाचल की, और अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ मानी जाती है टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। टूरिज्म इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए सरकार क्या कर रही है और कितना वक्त लगा, क्योंकि आप खुद निवेश लाने के लिए दुबई भी गए थे, कितना निवेश आने वाला है प्रदेश में, ये थोड़ा दर्शन। देखिए, बजट के बाद अभी हम नए थे, तैयार ही हो रहे थे कि आपदा ने हमारे पर कहर बरपा दिया, त्रासदी की, इतिहास की ऐसी बड़ी त्रासदी पहले कभी नहीं आई, तबाही का ऐसा मंजर था पूरे जिला स्तर पर, मैं सभी जगह गया कि तकरीबन हर जगह हाहाकार था, 13,000 घर आंशिक रूप से टूट गए और 4,000 घर पूरे तरह नष्ट हो गए। हिमाचल में जो कंसेप्ट है, एक या दो घर बनता है और 4,000 घर जब पूरी तरह नष्ट हो गए, बड़े अच्छे मकान, पक्के मकान, और हम जानते हैं कि पाई पाई जोड़कर कोई हिमाचली अपना घर बनाता है जी, और उसी में संतुष्टि से रहता है जी। घर में ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रात को 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे कि पूरा घर, पूरा सब कुछ ही नष्ट हो गया जी। जिस बिस्तर में वो सोते थे, बर्तन में खाना बनाते थे, सब बह गए। हमने उस बात को समझा और पहले तो उनको बसाने की बात थी, टेंट में रह रहे थे। मैंने कहा कि गांव में रहने वाला जो भी इस आपदा प्रभावित परिवार का सदस्य है, उसको 5,000 रुपया महीना किराया सरकार देगी जी। शहर में जहां तबाही हुई उसको 10,000 रुपया सरकार देगी, खाना पीना राशन सब 31 मार्च अभी 2024 तक सरकार उपलब्ध करवा रही है। फिर सबसे बड़ी बात क्या थी जी, सबसे पहले 7 जुलाई को ये आपदा आई कुल्लू जिला में, और उस समय हमारा टूरिज्म जो था पीक सीजन पर था, 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां स्टक थी। अब उनको कैसे निकालना, मैं खुद वहां गया, आप बताइए किसी सरकार के मंत्री गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है 4-4 किलोमीटर तक, उनको निकाल रहे हैं गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ। फिर उसके बाद
तो भाई ऐसी थी कि दो दिन तक बिजली नहीं आई, 48 घंटे में हमने बिजली जोड़ी, 48 घंटे में टेम्परेरी ही जोड़ी, लेकिन हमने पीने की योजनाओं को शुरू किया और फिर उसके बाद उन 75,000 पर्यटकों को निकाला, 15,000 गाड़ियां जो उस डिस्ट्रिक्ट में थी, पूरे देश से हमारे को फ़ोन आ रहे थे, एम्बेसी से फ़ोन आ रहे थे, और हमने हिमाचल की, मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समय अराजकता होनी चाहिए, लूटपाट होती है, लेकिन एक भी ऐसी इंसिडेंस इस हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई जो हिमाचल प्रदेश की अतिथि देवो भव संस्कृति को दर्शाता है। टूरिस्ट खुश होकर के जो होटल में ठहरे थे, कई होटल वालों ने पैसे तक नहीं लिए, वो उल्टा उनको खाना भी खिलाया, उनको छोड़ा भी, और उसके बाद हमारी जो प्रशंसा है हमारी सरकार की, वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की। एक और घटना मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रताल एक हमारा स्थान है जहाँ स्नोफॉल हो गया, 4 से 6 फुट 7 जुलाई के मौसम में स्नोफॉल हो गया, और एयरफोर्स वालों से हमने अपील की, एयरफोर्स ने एक सॉर्टी के बाद कहा कि वहाँ लैंडिंग फैसिलिटीज़ नहीं है और आप कृपा करके ये करिए कि आप किसी तरह इनको निकालने का काम कीजिए, इनएबिलिटी शो की जी। हमने कहा कि ये तो 295 के करीब टूरिस्ट जो है वो चंद्रताल में फंसे हुए थे, कोई पूना का कोई केरल का, एक दिन भी देरी हो जाती मिस हैपनिंग हो जाती, टेंट में रह रहे थे, -4 डिग्री टेम्परेचर था। हमारी सरकार ने मंत्रियों को जेसी में बी में बिठाकर उनको पहले तो बर्फ़ से रास्ता बनाया, फिर उनको निकाला जी, तो वो उनकी जान को भी हमने बचाया और उनको सकुशल घर पहुंचाया। ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा और उसका दायित्व को दर्शाता है। सर अनुभव से सीखती हैं चाहे सरकार हो या व्यक्ति हो, ये वो समय था जब समस्त हिमाचल या पूरा देश जो है वो हिमाचल के लिए दुआ भी मांग रहा था और हिमाचल के साथ भी खड़ा था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अनुभव से सीखते हैं। अब हिमाचल इस पूरी क्योंकि प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन फैक्टर्स कई थे, कई चीज़ें थी। मैंने देखा आप इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की और हम जो है प्रोसेस कर रहे हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन और भी कई फैक्टर्स हैं। ऐसे में क्या सीखा है हिमाचल ने आगे आने वाले समय में इस तरह की आपदाएं या इस तरह का कोई होती है समस्या उत्पन्न, तो किस तरह से टैकल जो है वो किया जाएगा हिमाचल की ओर से? देखिए जो तो इंसान के हाथ में होता है उसको तो करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब जो भगवान के हाथ में होता है वो किस समय कहाँ पर बरस जाए उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें किस प्रकार की सुरक्षा दी जा सके कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई तो हमें कैसे लोगों को बचाना है, इस प्रकार के अनुभव का ज्ञान होता है। ये जो आपदा आई है ये क्लाइमेट चेंज का भी असर है, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि लाहौल स्पीति कभी बरसात में बारिश नहीं होती थी वहाँ, इस बार बारिश भी हुई और बर्फ भी पड़ी, अब वो तो रेत कोल्ड डेजर्ट है, वो वहाँ तो रेतीले पहाड़ है, पेड़ नहीं है बिल्कुल सर, लेकिन बारिश होने के बाद हमने पाया कि ये क्लाइमेट चेंज का असर है। क्लाउड बस जब होता है उसके कारण जब वेपोरेशन होती है तो उसके कारण बहुत तेज पानी आता है जी, तो एक कारण तो क्लाउड बस्ट का था, एक कारण जो डैम से निचले क्षेत्रों में डैम से ज़्यादा पानी आने के बाद उसको खोल देना जी, वो भी एक कारण था। तीसरा जो लैंडस्लाइड्स है, जब कोई 4 लेन बनती है तो लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है, मतलब लैंडस्लाइड्स होंगे ही जी, तो उस स्ट्रेटे को सेटल होने में 3 से 4 साल लगते हैं। आज मैं पहाड़ काटता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश में वो गिरेगा नहीं, गिरेगा बिल्कुल, वो 3-4 साल वो सेटल होने में लगाएगा। तो ये चीज़ें सब हम इसके, हमने तो 50 साल अपने जीवन के शिमला में बताए तो हमें पता है कि ये होना है, तो उन चीज़ों से हमें घबराहट नहीं थी, हमें था कि जो हमारा टूरिस्ट फंसा है वो बाहर नहीं रहे, लोकल तो वहीं रहे, लेकिन बारिश क्यों इतनी ज़्यादा हुई, ये सब क्लाइमेट चेंज के असर है। आज हिमाचल प्रदेश में हुआ, कल प्रदेश के किसी और भाग में भी होगा, और इसको मत सोचिए कि हम ये सोचें कि ये आ गई, ये नेचुरली है, जब तापमान बढ़ रहा है क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगले बार कहाँ होता है इसके बारे में। सर प्रदेश जो है वो वित्तीय संकट से जूझ रहा है, आपने केंद्र से भी
पैकेज मांगा, क्या जो केंद्र सरकार है उसने हिमाचल प्रदेश को वो पैकेज दिया जो आपने डिमांड की थी? देखिए, आपदा के समय तो हम स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात करते रहे। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश पर आई, जिस तरह उत्तराखंड में आई, भुज में आई, उनको स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया गया। हमारी तरफ कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज केंद्र सरकार से नहीं मिला। पर मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों का, युवा साथियों का, कि सब ने जो उनकी क्षमता बनती थी, छोटे छोटे बच्चे तो बेचारे गुल्लक लेकर आए, और तकरीबन सारे हिमाचल के, चाहे पेंशन थे, कर्मचारी थे, 250 करोड़ रुपया तो हिमाचल की जनता ने हमें कलेक्ट करके दिया जी। फिर हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज बनाया, और जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको, भारत सरकार का भी नियम है, पीएम आवास योजना जो होती है जी, उसमें घर बनाने के लिए 1.5 लाख मिलता है, और केंद्र राज्य की भी जो योजना उसमें भी 1.5 लाख मिलता है। अब 16,000 घर जिनके, हमारे परिवार 16,000 दूर दूर रहते हैं जी, तो अब 4,000 घर तो बिल्कुल नष्ट हो गए, उनके तो कोई साधन नहीं रहा, तो 1.5 लाख से तो घर नहीं बना जाता। मैंने नियम बदल दिए, मैंने कानून बदल दिया, और उनको 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की सहायता राशि दी अपने संसाधनों से जी। और कच्चा घर टूटा था उसको भी हमने 1 लाख रुपया दिया। आज किसी भी जगह आपदा प्रभावित लोगों के पास जाइए, खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो तो चला गया वो तो हम दिला नहीं सकते जी, लेकिन जो हमारी क्षमता है उसको हमने उनको देने का प्रयास किया है। सर, आपने चुनाव से पहले, आपकी पार्टी ने ओपीएस का वादा किया था, आपने पहली कलम से वो पूरा किया, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि 10 प्रमुख बिंदुओं पर लगातार चर्चा की गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात करी, क्या कहेंगे सर? विपक्ष लगातार कहता है कि महिलाओं से जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, बाकी जो बिंदु थे उन पर काम नहीं किया गया। सर देखिए, विपक्ष का काम तो बोलना है जी, हमारे अच्छा काम भी होगा तो भी उन्होंने विरोध करना है जी, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही ऐसी गढ़ी गई है कि हम कुछ भी करें विपक्ष कभी सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं बोल सकता जी। तो पहली गारंटी ओपीएस थी, दूसरी गारंटी थी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना जी। उसकी 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना हमने शुरू की है, जिसमें राजीव गांधी ई टैक्सी योजना है, राजीव गांधी सोलर पावर योजना है, और तीसरी हम कृषि से संबंधित योजना ला रहे हैं जी। तीसरी योजना थी कि एक विधानसभा क्षेत्र में 4 स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाई होगी जी। हमने कहा 4 में क्यों होगी, फिर वो एक उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो हमने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये 2 महीने बाद जो नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है उसमें पहली कक्षा से इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, और गवर्नमेंट स्कूल में के प्रिंसिपल को किस प्रकार की वर्दी की चॉइस करनी है वो भी हमने उन्हें स्वतंत्रता दे दी जी। जो कृषि से संबंधित जो हमारी योजना है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। हमें जनता ने 5 साल के लिए चुनकर मौका मिला है जी। अब विपक्ष ने तो कुछ किया नहीं जी। हमें तो 85,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा के रख दिया उन्होंने जी। हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों पर 75 लाख की इस जनसंख्या में 1,02,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है जी। अब हम भविष्य की युवा पीढ़ी को ये बोलेंगे कि हम तो कर्जे में जीरे थे और तुम्हारे ऊपर इतना कर्जे का बोझ डालकर चले जाते हैं, तो वो भी बात अच्छी नहीं। बिल्कुल, तो हम उस दृष्टि से भी अपने सरकार की जो कारगुजारी है उसको आगे लाना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ आने वाले 4 साल में 2027 में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर होगी, और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली। इस न्यूज चैनल पर आपने संभाल के रखना मेरा ये, और 2032 तक हम अमीर राज्य बनेंगे। सर, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, और कांग्रेस की क्या तैयारी है? 4 सीटें हैं, 4 सीटों में कितनी सीटें आप जीतते हुए देख रहे हैं कांग्रेस? जो भी लोकसभा चुनाव होता है, अब आजकल याददाश्त बहुत कमजोर है, अब कुछ लोग उस याददाश्त को जिंदा करने के लिए बार बार इस प्रकार के योजन करते हैं कि उनका इस नाम को जिंदा रखा जाए। हिमाचल प्रदेश का चुनाव मई में है। मेरा ये मानना है कि हमारी यहाँ सरकार के खिलाफ अभी कुछ नहीं है,
और अभी हमें बने हुए भी एक साल हुआ है। हम मानते हैं कि यहाँ लोकसभा का जब चुनाव होगा तो सबसे मुश्किल चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में लड़ना पड़ेगा। चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना हम युद्ध की तरह करेंगे, लड़ाई समझकर इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे। कैंडिडेट्स फाइनल हो गए सर? नहीं, ये तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, राजनीतिक समय ऐसा होता है कि किस प्रकार के कैंडिडेट देना है और किस प्रकार आगे बढ़ना, वो तो उस समय चुनावों से कुछ दिन पहले ही फाइनल किए जाते हैं। आज राज्यसभा के भी नामांकन हुए सर, और अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारा है सर, क्या कहेंगे सर उसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी हिमाचल प्रदेश में उतारा है और कोई ऐसी बात ही नहीं है। एक ट्रेंड चला है, देश में चल रहा है कि चुनाव जीतना है, मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, जीतना है, ठीक है ना? तो ये सोच में बदलाव है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमने क्या करना है, विधायक भी जानते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछली कई बार कांग्रेस ने भी उतारा। हमारे पास तो एमएलए भी नहीं होते थे तो भी उतारते थे। लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है, उतारना, मन की संतुष्टि भी तो चाहिए, और ये सपना भी तो देखना पड़ता है कि क्या पता कोई टूट कर आ जाए, नाराज एमएलए जी, तो ये सब चीजें चलती है लोकतंत्र में। एक सर बड़ा चर्चा का विषय रहा इंडिया गठबंधन सर, सदर्न स्टेट से शुरू हुआ था, नॉर्दर्न तक आते आते यानी उत्तरी राज्यों तक आते आते जो है गायब होता नजर आया सर। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, छात्र राजनीति से यहां तक का सफर आपने तय किया है, क्या कहेंगे सर, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से एकजुट होने की बात कही गई और धीरे धीरे वो जो दीवार एक खड़ी की जा रही थी उसमें से ईंटें सरकती गई सर, क्या जरूरत समझते आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिरे चढ़ना चाहिए? क्योंकि हिमाचल छोटा राज्य है, यहाँ पर 4 सीट्स हैं, लेकिन अगर देश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ, देखिए राष्ट्रीय राजनीति के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता है, मुझे तो आप हिमाचल से संबंधित परमाणु से ऊपर की जो बात पूछेंगे वो अच्छा रहेगा, वो नीचे के लिए नेशनल लीडर्स है, उनसे आप पूछे किस बात पर कहाँ चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं नेशनल लीडर्स है, हम तो अपने राज्य तक ही सीमित रहना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा सर, प्रदेश के अंदर का एक सवाल ले लेते हैं, आपका एक कार्यक्रम है सरकार गाँव के द्वार, उसमें आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और वहीं पर उनका निपटारा भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है, जयराम ठाकुर कहते हैं कि ये सिर्फ नाम बदला गया है, ये तो जनमंच हम चलाते थे। विपक्ष को तो कहना चाहिए ना, कहने को कुछ ना हो तो कहते हैं वो, जिस दिन कहने को होगा उस दिन तो सब कुछ कहेंगे, खुल के कहेंगे। जो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है वो समस्या सुनने का कार्यक्रम नहीं है, जो सरकार ने किया वो बताने का कार्यक्रम है। राजस्व से संबंधित समस्याएं होती थी, किसी का इंतकाल नहीं होता था, किसी की तकसीम चली हुई थी, कहते कि दादा के समय तकसीम चली है, डिवीजन चला हुआ है, पोते तक केस चले रहते थे, कहीं जमीन की कोई दुरुस्ती होनी हो वो नहीं होती थी। हमने नियम बनाया और कहा कि आपको राजस्व लोक अदालत लगानी पड़ेगी, और लास्ट मंथ के 30-31 तारीख को लोक अदालत लगती थी। पहले लोग पटवारी को ढूंढा करते थे, कानगो को ढूंढा करते थे, आजकल पटवारी और कानगो उन इंतकाल वालों को ढूंढ रहे कि कहाँ है, दिल्ली तक फोन जा रहे हैं। 95,000 केस इंतकाल के किए और 7,061 केस हमने तकसीम के किए। लोगों को आप पूछ सकते हैं क्या उनको राहत मिली, काफी खुश लोग नजर आते हैं। तो हम जनता के पास जा रहे हैं कि हम आपके लिए ये योजनाएं लेकर आए हैं, इसका लाभ उठाइए। अब 1% पर 20 लाख का लोन हम जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको दे रहे हैं जी, कि कोई IIM में सिलेक्ट हो जाता है, कोई IIT में सिलेक्ट हो जाता है, कोई नीट में सिलेक्ट हो जाता है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं जी। फिर जब सिलेक्ट होने के बाद फीस देने की बात आती है तो इन संस्थानों की फीस 1 लाख से ऊपर होती है जी, तो 1 लाख रुपए के वो बेचारा आधा तो वैसे ही टूट जाता है। तो हमने कहा कि उसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी
वो क्योंकि 48 घंटे में फीस जमा करवानी होती है, वो डिप्टी कमिश्नर देगा जी। उसके बाद वो लोन का केस बनाएगा, लोन का केस बनाने के बाद सरकार उसकी गारंटी देगी और 1% इंटरेस्ट पर। वो भी इसलिए रखा ताकि जब ये युवा हमारा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कमाने लगे तो उसके मन में रहे कि 1% मैंने लोन दिया तो मैं इस लोन को वापस करूँ। 20 लाख का लोन ये योजना हमारी है, और कई योजनाएं हम लाए हैं जिससे युवाओं का पढ़ाई के प्रति जो कमी रह जाती है पैसे की, वो कमी ना रहे। वाटर ट्रीटीज को लेकर सर लगातार आप पंजाब और हरियाणा के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट यमुना नदी पर बनाने भी जा रहा है हिमाचल और हरियाणा इन अ कोऑर्डिनेशन, लेकिन पानी को लेकर जिस तरह से सर है इस समय की परिस्थितियां, सर क्या कहेंगे? सर पंजाब के साथ भी आप लगातार बात कर रहे थे, पीछे भी लगातार ये मुद्दा, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मैं अगर प्रदेश की प्रमुख चेयर पर बैठा हूं तो मुझे प्रदेश के हित देखने हैं। मैंने पाया कि हमारे पास, हिमाचल के लोगों के पास क्या है। आज तक हमारा इन्वेस्टमेंट ड्रेन होता रहा, यानी कि हम इंडस्ट्री को सुविधाएं तो देते रहे लेकिन उन सुविधाओं के बदले हमें कुछ नहीं मिला जी। तो हमने पाया कि हमारे पास पानी है, तो पानी रॉ मटेरियल है जी। हमने बोला ये रॉ मटेरियल है जी। इसका फिनिश गुड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा कि जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं हिमाचल में, डैम बने, उससे मिल क्या रहा है हिमाचल को जी? तो 12% फ्री रॉयल्टी के अलावा नुकसान बहुत हो रहा है जी। तो उस स्थिति को मैंने समझते हुए, चाहे हरियाणा है पंजाब है, उन पर कोई वाटर सेस का फर्क नहीं पड़ेगा। हम पानी पर कोई सेस नहीं लगा रहे, जो पानी बहता है वो फ्री में जा रहा है। लेकिन आपने, हरियाणा भी इसमें आता है, हमने कहा कि जो हमारा पानी डैम में है उससे कोई जनरेशन होती है, उस पानी के बनने से बिजली बनती है, फिनिश गुड बिजली है, उस पर हमने सेस लगाया। उन्होंने कहा पानी बह रहा है इस पर टैक्स लगा दिया, ऐसा कोई नहीं है। एक तो कम्युनिकेशंस का गैप रहा, उन्होंने सोचा कि ये टैक्स लग गया, ऐसा नहीं है जी। दूसरी बात, अगर हम हाइड्रो, हमारे पास पानी के अलावा है कुछ नहीं, अगर हम उन अपना अधिकार ही नहीं लेंगे तो क्या फायदा होगा जी। दूसरा, एक जो किशाऊ डैम की बात है जी, उसमें उत्तराखंड और हम, हमारे राज्य में बनना है और हरियाणा और दिल्ली है जी। अब विडम्बना देखिए, दिल्ली को पानी चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, उसका 90% खर्च तो केंद्र सरकार उठा रही है, और जो डैम बन रहा है, जो बिजली, कहते हैं बिजली का खर्चा आप उठाइए। भाई हमको ना पानी की जरूरत ना बिजली की जरूरत, हम क्यों उठाएं? हमारे इतने लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, हम क्यों उठाएं? हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, आपको 90% आपको भी खर्चा उठाना चाहिए, आप उठाइए ना। जिनको प्यास लगी है उसके लिए तो आप 90% उठा रहे हैं, जिनकी जमीन उजड़नी है, जिनके लोग उजड़ने हैं, उनको बोल रहे कि तुम अपने लिए 90% खर्च करिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने कहा है आप ये 90% आप भी खर्चा उठाइए, देश एक है और इस देश के लिए हम सब कुछ करने के लिए भी तैयार है, आप इसका 90% खर्चा उठाइए, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम आपके साथ किशाऊ बांध में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट या करने के लिए हम तैयार हैं, बस ये हमारी मांग है। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा मैं, आप अयोध्या कब जा रहे हैं? अयोध्या तो नाम है, भगवान के दरबार में तो सुबह शाम जाते हैं हम, घर के मंदिर में भी राम रखा है और भी भगवान की कई मूर्तियाँ हैं, सनातन धर्मी है तो मूर्तियों पूजा तो हमारे संस्कृति में है, आस्था है। अयोध्या भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, हर दिन हम चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, सारे मंदिर है, हम सब जगह जाते हैं, एक संस्कृति है ये। लेकिन इसका राजनीतिकरण करना अच्छा नहीं है। राम मंदिर बना, सब हिंदू स्थान के लोगों को बहुत खुशी हुई, केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की, हमने पूरे दिन की छुट्टी की, हमने पूजा याचना भी की, लेकिन मैं इसका नाम, इस चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता। अयोध्या जब भी समय लगेगा, अभी से पहले थोड़ी है, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी हम तिरुपति, चार धाम, प्रयागराज, नहालो, सब जगह जालो, सब जाते थे। तो ये अब राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं कुछ शब्द बोलूँगा तो मैं वो उस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। राम हमारे आराध्य है, मर्याद्या पुरुषोत्तम राम ने कुछ आदर्श स्थापित किए हैं,
अगर हम अपनी सरकारें चलाने चाहते तो उन आदर्शों के साथ हमें आगे आना चाहिए। माफी चाहूंगा सर, आखिरी सवाल नहीं था, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। चंडीगढ़ को लेकर, चंडीगढ़ के अधिकार को लेकर सर, बड़ा भाई छोटा भाई, पंजाब हमेशा बड़ा भाई कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, आए बगाए ये बातें उठती हैं कि हिमाचल को भी उसका हक मिलना चाहिए, आपने भी कई बार पैरवी की है सर, कहाँ तक पहुँचे हैं हम? क्योंकि कई चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार एक सीधी तौर पर जो है जवाब मिल जाता है कि नहीं है देने के लिए, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा, बड़े ही भाई है दोनों। हम तो कहते हैं जो आपका समझौता हुआ है, अब BBMB में हमारा पानी हमारा है, फ्री रॉयल्टी नहीं मिलती, पर बिजली देता है पंजाब को भी, पानी देता है पंजाब को भी, बिजली देता हरियाणा को भी, पानी देता हरियाणा को भी, हमें नहीं मिलता। हमको तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में 7.13 का अवार्ड पास कर दिया वो भी नहीं दे रहा जी। तो हम बोल रहे हैं कि छोटी स्टेट होने का मतलब ये नहीं कि आप उसके अधिकारों को दबा दो। तो हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है BBMB से संबंधित वो मिले, और चंडीगढ़ में चाहे हम पहले एक ही प्रदेश थे जी, बिल्कुल हरियाणा पंजाब, जब पंजाब हुआ करता था, अब जब उसके भाग हो गए, उस समय हमारी जो समझौते थे जी, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहेगी, तो उस कमियों को ठीक भी तो करना पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दी तो उसको अमली जामा पहना है। हमारी यही लड़ाई है, और ये लड़ाई हम टेबल में बैठ के लड़ना चाह रहे हैं, ये नहीं है मतलब, पर गांधी जी के अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हमारे अधिकार आप दबाते ही जाए। तो थोड़ा जो हमारा राइट बनता है वो देना चाहिए, और मेरा तो सभी से अनुरोध रहेगा कि वो देना चाहिए, हमारे अधिकार है, और आपका छोटे भाई का भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत मैं करना चाहूंगा सुखेंद्र सिंह ठाकुर साहब का, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। बड़ी सार्थक चर्चा रही है सर, कार्यक्रम अभी आगे हम बढ़ाएंगे, मैं गुजारिश करूंगा अपनी सहयोगी सीमा से, पर आप मंच पर जरूर मौजूद रहिएगा। धन्यवाद सर। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा सेशन रहा है, क्योंकि हमें प्रदेश के विकास में क्या कुछ बदलाव होने हैं इसके बारे में पता चला। अब मैं ITV नेटवर्क के फाउंडर श्री कार्तिकेय शर्मा जी से दरख्वास्त करूंगी कि सर आप स्टेज पर आए और CM का सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सम्मानित करें, बुके मोमेंटो और साथ ही साथ उनका स्केच दे करके उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां, तो तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों के बीच CM का स्वागत करते हुए ITV नेटवर्क के फाउंडर, तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सम्मान में ये महत्वपूर्ण तालियां। तो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान और उसको लेकर के ये पूरा का पूरा सत्र चला, और देखिए तालियां जो है वो जिस प्रकार से रुक रही हैं, इसे रुकना नहीं है, क्योंकि ये दिन और ये सत्र कितना महत्वपूर्ण रहा है ये हम सभी जानते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, अभी स्केच देकर के CM को सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये स्केच जो है वो टैलेंट और साथ ही साथ बच्चे जो हैं, जो कलाकार हैं, उनके द्वारा CM के लिए बनाया गया है। और इसके बाद चलिए अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण क्षण होता है हर समाज में। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि उनका जो योगदान है समाज में वो काफी महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में ITV नेटवर्क के द्वारा एक ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम उन तमाम महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित करेंगे, CM के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो एक एक करके मैं मेहमानों को यहाँ पर अनाउंस करूंगी, और प्लीज आप आगे आइएगा और ये जो सम्मान है वो CM से जरूर लीजिएगा। तो सबसे पहले विवेक सिंह जी हैं, जो बेस्ट चांसलर माने जाते हैं अरणी विश्वविद्यालय के। विवेक जी प्लीज स्टेज पर आइए। आप अरणी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय को शैक्षिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान आपने की है, तो प्लीज जोरदार तालियों के बीच विवेक सिंह जी।
तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने अपना समाज में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान, एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। और इसी बीच हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे गगन जैन जी, जो एक डॉक्टर हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर हैं। तो हेल्थ के क्षेत्र में आप बीबीएन के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मैं गगन जैन जी से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज आप स्टेज पर आइए और ये सम्मान जो है वो सीएम से आप रिसीव करिए। और इसके साथ ही मिनरवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के श्रेष्ठ स्कूल है बिलासपुर का, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच। मिनरवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपको बता दें प्रिंसिपल कम डायरेक्टर प्रवेश चंदेल जी हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके साथ ही मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मनोज वर्मा जी, जो कि आपको बता दें कि अत्यंत गर्व की ये बात हो रही है क्योंकि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के सदस्य मनोज वर्मा जी भी हमारे बीच हैं। प्लीज सर आप भी स्टेज पर आइए और ये सम्मान ग्रहण करिए जोरदार तालियों के बीच, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। सुमिता सिंगला जी, जो कि श्रेष्ठ फार्मा इंडस्ट्री औषधि का निर्माण के क्षेत्र में सुमित सिंगला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इनके योगदान की बात यहाँ पर कर ली जाए क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके साथ आपको बता दें कि आपदा में अच्छा काम करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू जी को भी ये सम्मानित करना चाहते हैं, अपने द्वारा एक स्केच लेकर के आए हैं ये, जो वो देना चाहते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे और अब बारा विश्वविद्यालय से, जो कि एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है नॉर्थ का, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इनका नाम है, एक अहम स्थान गिने है। विश्वविद्यालय के उद्देश्य मात्र धन उपार्जन ना होकर के गुणवत्ता और रोजगार में एक अच्छा काम करने की ओर इनका ध्यान है। तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि आप स्टेज पर आए, गौरवान्वित कर देने वाला ये पल हम सभी के बीच है, जहां आपको बता दें विश्वविद्यालय के चेयरमैन गुरविंदर सिंह गैर यहां पर मौजूद हैं। यह सम्मान विनीत कुमार सेवा निर्मित आईएफएस कुलपति के सलाहकार को सौंपते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में, जिन्होंने हमारे आसपास वो महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, फिर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर यहाँ पर देखिए क्योंकि फार्मा के क्षेत्र पर ज्वेलर्स, क्योंकि समाज को सजाने का काम भी यहाँ पर ज्वेलर्स का है, श्रृंगार का काम उनका है, तो हर क्षेत्र में इनका योगदान है और इन योगदान के लिए तालियां तो बनती है। तो ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो पल है जब एक महत्वपूर्ण समय है, यहाँ पर सभी को सम्मानित किया जा रहा है। और ये तस्वीरें काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली, क्योंकि समाज में जो काम इनके द्वारा किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है।